हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ह्यूमन फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नाउ बॉडी फ्लूइड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्लूइड ऑफ बॉडी, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या है, और ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग में होने वाले RH फैक्टर, RH नेगेटिव पॉजिटिव से रिलेटेड डिसऑर्डर, या फिर बात कर सकते हैं रिएक्शंस। फिर हम बात करेंगे इसमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स, हार्ट, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, कार्डियक साइकिल कैसे होती है, कितने ड्यूरेशन की होती है, एंड ECG द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स। नाउ ब्लड के जैसा कि हम जानते हैं दो कॉम्पोनेंट्स है, प्लाज्मा 55%, formed elements 45%. Blood is also known as river of life. क्यों river of life? Because इसका काम है आपके एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक materials को ले जाना, चाहे वो nutrients हो, waste हो, oxygen हो, CO2 हो, etc. ताकि आपका हर बॉडी का सेल नरिश रह सके और toxins रिमूव हो सके। ब्लड का मेजर फंक्शन और क्या है, इट फॉर्म्स द लिम्फ आल्सो। लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है। जहां जहां सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पैरेलल चलता है लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद ब्लड का मेजर काम है बॉडी डिफेंस, क्योंकि इसमें है WBC जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद बॉडी का pH मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, क्योंकि ब्लड कंटेन्स बफर्स जो आपकी बॉडी की एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन रखते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड। हमें जब भी चोट लगती है, चोट लगने पे क्या खून लगातार बहता है? बिल्कुल नहीं। कुछ समय बाद, लगभग 3 से 8 मिनट बाद ब्लीडिंग स्टॉप होती है, तो वो स्टॉप कराने वाला फैक्टर कौन है? प्लेटलेट्स। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ इंजुरी। पता चला हम बोल रहे हैं तलवार से किसी को मार दिया और बोल रहे हैं अरे 3 से 8 मिनट में तो खून रुक जाएगा। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। एक निडिल का प्रिक मेडिकल टर्म्स में बोला जाता है, जब एक सुई चुबोई आपने किसी को और वो नॉर्मल है तो 3 से 8 मिनट में ब्लीडिंग रुक जाएगी। चलिए, प्लाज्मा में 55% कंपोजिशन बनाता है ब्लड का, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट से 45%। प्लाज्मा में होता क्या है, वाटर जो मैक्सिमम पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है 90-92%, प्रोटीन 6-8%, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट्स होते हैं, गैसेस, कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 मेनली, न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस, हार्मोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा ब्लड में फ्लो कर ही रहे हैं। वेस्ट मटेरियल, इसका भी लिखना जरूरी है, बिकॉज ये भी तो आपके ब्लड के थ्रू ही बॉडी के बाहर जाते हैं फिल्टर होके। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटीन्स की। जब हम प्रोटीन्स देखते हैं तो बच्चों, 3 टाइप के मेजर प्रोटीन्स आपके ब्लड में सिचुएटेड है। वो 3 टाइप के मेजर प्रोटीन्स है, एक तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अब एल्ब्यूमिन का मेजर फंक्शन है, हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसकी बात करेंगे, बिकॉज ब्लड का ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन मेजर, अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव, पैसिव, फिर अलग अलग टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में डिस्कस करेंगे। सो मेजर फंक्शन इज इम्यूनिटी। फिब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, अभी आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर है बच्चों? नाउ जब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होता है सबसे पहला RBC, एरिथ्रोसाइट्स, देन ल्यूकोसाइट, WBC, ल्यूको मतलब व्हाइट, एरिथ्रो मतलब रेड। ल्यूकोसाइट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट। जहां पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो ग्रेन्यूलोसाइट। 3 टाइप से डिवाइडेड है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इनके परसेंटेज नीट में पूछे जा चुके हैं,
दैट मीन्स ये बनता है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। न्यूट्रोफिल का कंपोनेंट है 60-65% ऑफ द टोटल ग्रेन्यूलोसाइट। बेसोफिल बनाता है 0.5-1%, इओसिनोफिल 2-3%। नेक्स्ट इज ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट में दो कैटेगरी है, ए ग्रेन्यूलोसाइट में दो कैटेगरीज है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट होता है 6-8% और लिम्फोसाइट होता है 20-25%। देन लास्ट कंपोनेंट है हमारा सेल जो है प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका मेजर फंक्शन है टू स्टॉप द ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ इंजुरी। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज द ब्रीफ फ्लो चार्ट अबाउट द ब्लड। नाउ हम लोग बात करेंगे, अगर ब्लड की सेल्स की बात करें कहां बनती है, तो इसका मेजर साइट ऑफ प्रोडक्शन है रेड बोन मैरो। नाउ ये बोन मैरो क्या होता है? हमारी जो लॉन्ग बोन्स है, लंबी हड्डियां, उनके एंड्स को हम लोग बोलते हैं एपीफाइजियल रीजन। अब ये एपीफाइजियल रीजन में क्या होता है, एक लंप लाइक, एक टिश्यू का गुच्छा है जिसे बोल सकते हैं, मास लाइक स्ट्रक्चर, रेड बोन मैरो, जहां पर होता है पोइसिस। पोइसिस मतलब होता है आपका फॉर्मेशन या फिर जनरेशन। क्लियर है? चलिए सबसे पहली चीज तो बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी का नाम दूसरा क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। बिकॉज एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल। अब एरिथ्रोसाइट का शेप हमने बनाया है ह्यूमन आरबीसी का। ह्यूमन आरबीसी इज बायकॉनकेव इन स्ट्रक्चर। अब एरिथ्रोसाइट में कुछ फीचर्स हमको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज बायकॉनकेव है। ये नेचर ने बायकॉनकेव क्यों बनाया? टू अकोमोडेट मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या रेड बोन मैरो में ही आरबीसी प्रोडक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एरिथ्रोपोइसिस या फिर दूसरी ब्लड सेल्स कहां बनती है? यॉर्क सैक, लिवर एंड स्प्लीन। स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है। जब इनिशियल एम्ब्रियो है तो यॉर्क सैक में, जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो लिवर और स्प्लीन में। नाउ व्हाट इज दिस राउलिक्स फॉर्मेशन? बच्चों ये क्वेश्चन आता है जब आपके ब्लड का फ्लो हो जाता है स्लगिश, मतलब धीरे धीरे चल रहा है आपका ब्लड, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया है, थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है ओबेसिटी के कारण से या बहुत से दूसरे रीजन, तो अब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर ऐसे हीप बना लेती, चिपक जाती है, तो इसको बोलते हैं राउलिक्स फॉर्मेशन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है बच्चों? 120 days और 4 months। अभी ऐसा क्यों 120 days और 4 month? बिकॉज हमारा मैच्योर आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, तो इसीलिए बेचारे की लाइफ स्पैन क्या है? सीमित है। आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है डोनेंस मेम्ब्रेन, याद रखना है ये चीज बिल्कुल। इसके अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ह्यूमन रेस्पिरेशन। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो रेस्पिरेशन वन शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज की एक्टिविटी को डिस्कस किया है। नॉर्मल काउंट है 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। न्यूक्लियस क्या शुरुआत से आरबीसी में नहीं होता? बिल्कुल गलत। न्यूक्लियस होता तो है बट रेटिकुलोसाइट स्टेज में डिसअपियर होता है। क्यों होता है? ये भी एक नेचर का मैकेनिज्म है टू अवॉइड एक्स्ट्रा स्पेसिंग और टू प्रोवाइड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसेस। किसके लिए? टू अकोमोडेट हीमोग्लोबिन। मेच्योर आरबीसी को हम बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। ये वर्ड आता है हमारे एग्जाम्स में। दिस इज अबाउट द आरबीसी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का नाम जैसे समझ में आ जाता है, इट इज द आर्मी बॉडी डिफेंस। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, नॉर्मल सेल काउंट होता है इसका 5,000-10,000 पर माइक्रोलीटर। ग्रैन्यूलोसाइट मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। बच्चों ये ग्रैन्यूल्स का एज सच स्पेसिफिक फंक्शन तो नहीं है, हाँ इसका मेजर फंक्शन
इन्वॉल्वमेंट है फेगोसाइटोसिस में, मतलब ये भी क्या करता है आपका फेगोसाइटोसिस। ग्रेन्यूल्स क्या करता है, इट किल्स द पैथोजेंस, जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट, आप यहां पर इजीली यू कैन सी द पिक्चर्स, अगर ऐसी पिक्चर आती है यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। पहला है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें तो इसके स्पेसिफिक फीचर्स हमने यहां लिखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट अबंडेंट है। अब न्यूट्रो क्यों बोला, बिकॉज ये बेसिक डाई से भी स्टेन होता है और एसिडिक डाई से भी स्टेन होता है। इसमें कितने न्यूक्लियस है, तो 1, 2, 3, 4, कभी 5 भी होते हैं, मतलब मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। इसका मेजर काम है फेगोसाइटोसिक या फेगोसाइटिक सेल है। पीएमएनएल नीट में आ चुका है, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, किसका दूसरा नाम है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज ईओसिनोफिल, इसका दूसरा नाम एसिडोफिल्स भी है, बिकॉज ये कौन सी डाई से स्टेन होती है बच्चों, एसिडिक डाई से। अब इसका मेनली इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, एलर्जी, बोलते ना एलर्जी, याद रखो स्पेलिंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो, एलर्जी। सो एलर्जी मतलब एलर्जिक रिएक्शन, किससे रिलेटेड है, ईओसिनोफिल से। और कितनी बार जब पैरासिटिक अटैक होता है तो भी ये सेल्स एक्टिव होती हैं। इसका न्यूक्लियस आपको दिख रहा है स्पेक्टिकल शेप्ड, ठीक है, चश्मे जैसा न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल का मेजर काम क्या है बच्चों, सबसे पहला फीचर तो ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी सेल्स है। फिर उसके बाद अपन बात करें कि ये स्टेन होती है आपकी बेसिक डाई से, इसलिए इसका नाम है बेसोफिल्स। क्लियर है। नाउ जब हम बात करते हैं इसके सिक्रीशन की, तो इसका सिक्रीशन है सिमिलर टू मास्ट सेल। जैसा काम मास्ट सेल करती है वैसा ही काम बेसोफिल करती है, मतलब हिस्टामिन सिक्रीट करना। हिस्टामिन इज अ वैसो डायलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, और ब्लड वेसल्स डायलेट होती है तो बहुत सारे रिएक्शंस सिमिलर टू एलर्जिक रिएक्शन काम करने लग जाते हैं। सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। हिपेरिन इट इज अ वेरी गुड एंटी कोएगुलेंट। हिपेरिन ऐसा एंटी कोएगुलेंट है जो नॉर्मली ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। नहीं तो सोचिए ना, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स है, कैल्शियम है, तो हमारा ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा, बट इसको बचाता कौन है, हिपेरिन। और इसके न्यूक्लियस पे थोड़ा ध्यान देना, दिस न्यूक्लियस इज एस शेप्ड और सिग्मोइड न्यूक्लियस, ठीक बच्चों। नाउ इसके बाद बात करते हैं हम लोग ए ग्रेन्यूलोसाइट की। अब ए ग्रेन्यूलोसाइट में तो कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, मतलब अगर आपके पास माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखी है ग्रेन्यूलोसाइट्स की और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की, सो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि जिन सेल्स के पास ग्रेन्यूल्स है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल एंड ईओसिनोफिल्स, और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है। ये दो मेजर टाइप के हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट मोनोसाइट, जिसका कंपोजिशन है आपका 6-8%, लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है इसमें, और फेगोसाइटिक होती है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक बी लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट। जब बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इसका मेजर नाम बी कैसे आया बच्चों, दोनों का प्रोडक्शन तो होता है बोन मैरो में, लेकिन बी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है बोन मैरो में और टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है थाइमस में। क्लियर है। सो दिस मैच्योर इन योर बोन मैरो, मैच्योर कहां हो रही है, बोन मैरो में, और ये मैच्योर हो रही है आपकी थाइमस में। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं, इसीलिए इसका नाम है एएमआई सिक्रीटिंग लिम्फोसाइट्स, या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसका काम कहां आता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर किसी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उस समय उस ऑर्गन को एज अ फॉरेन एंटीजन लेती है कौन सी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, और स्टार्ट करती है फेगोसाइटोसिस, और ये बचाने के लिए हम लोग उस पेशेंट को देते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। याद आ रहा है कुछ, याद आना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द क्विक रिविजन
और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का काम करता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा मतलब बड़ा, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, जिन सेल्स का न्यूक्लियस बड़ा है उनसे प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होती है। इसका काम है रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, अ क्लॉट प्रोड्यूसिंग फैक्टर। नाउ कम्स विथ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। बच्चों ब्लड ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एबीओ सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बट हमको कौन सा पढ़ना है, एबीओ सिस्टम, जो किसने दिया था, लैंडस्टीनर ने। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। जेनेटिक्स में हम लोग देखेंगे क्विक रिविजन में कि मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है, जब नॉर्मली एक अलील या फिर वन पेयर ऑफ जीन्स की बात करें तो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा अलील्स किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। जैसे कि ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप में बच्चों तीन अलील रिस्पॉन्सिबल है, आई ए, आई जीरो एंड आई बी। अब बात करते हैं हम लोग, ये चार्ट देखो ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप दो तरीके से हो सकता है, एक हेट्रो एक होमो, हेट्रोजाइगस या फिर होमोजाइगस। अब ये ए का एंटीजन क्या है, कैपिटल ए। एंटीबॉडी हमेशा उल्टा होगा, अगर सेम एंटीबॉडी होगी तो दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, ये इसको मार देगा। सो एंटीबॉडी होगी एंटी ए या फिर बी। एंटीजन मेजर प्रेजेंट कहां होता है, आरबीसी पे, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर। बी, बी का जीनोटाइप आई बी आई जीरो या आई बी आई बी, इसका एंटीजन है बी। सेम बच्चों ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, एंटीबॉडी इसका उल्टा हो गया। ए बी में दोनों होगा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब ये नया वर्ड क्या आ गया, ये डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। इसमें दोनों टाइप के एंटीजन है, ए एंड बी, एंटीबॉडी नहीं होती। ओ में निल एंटीजन एंड दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होती है। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को कंसिडर करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में आर एच पॉजिटिव है और बी ब्लड ग्रुप की। यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव। बच्चों क्वेश्चन ये नहीं आता कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है, ए है, ए बी है, क्वेश्चन ये आता है कि ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है। बच्चों ओ नेगेटिव मतलब इसमें आर एच फैक्टर एबसेंट है, अगर आर एच फैक्टर एबसेंट है तो ये आर एच पॉजिटिव को भी दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, और आर एच नेगेटिव को तो दे ही सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इज ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को, लेकिन ले किससे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप से, दैट्स व्हाई इट इज ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। नाउ ब्लड कंपैटिबिलिटी का एक मेजर फैक्टर है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। बच्चों एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, फीटालिस मतलब फीटस की। ये कंडीशन कब आती है, अगर कोई आरएच नेगेटिव फीमेल शादी करती है किसी आरएच पॉजिटिव मेल से तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। सबसे पहली प्रेगनेंसी जो है प्रोजेनी, अगर उसका डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है दैट मीन्स वो फादर पे चला गया, आरएच पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेफ है डिलीवरी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिलीवरी दो तरीके से हो सकती है, या तो वेजाइनल या तो ऑपरेशनल। अब बच्चों अगर ऑपरेशनल होती है तो आसानी से उसको रिमूव कर दिया जाता है, प्लासेंटा बाद में कट की जाती है, अम्बेलिकल कॉर्ड एटसेट्रा। अभी हम बात करते हैं अगर वेजाइनल डिलीवरी है, उस केस में प्लासेंटा रप्चर हुई, अब फीटल ब्लड मिक्स होता है मेटर्नल ब्लड से। अब फीटस का ब्लड तो है आरएच पॉजिटिव जिसमें आरएच एंटीजन है, मदर कैसी है अपनी, आरएच नेगेटिव जिसमें आरएच एंटीजन नहीं है। तो अब मदर ये नहीं सोचेगी अरे मेरा बच्चा है, नहीं बच्चों, ये रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का, मतलब मदर का ब्लड प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी, मतलब एंटी आरएच। अब इस कारण से क्या होगा, मदर के ब्लड में बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो गया। नाउ अब नेक्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी होती है
और फिर से जो फीटस है वो हो गया आरएच पॉजिटिव, तब क्या हुआ देखना, ये जो एंटीबॉडीज है आरएच वाली ये क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को। सो मदर्स बॉडी प्रिपेयर एंटी आरएच जो किल करती है सेकेंड फीटल की आरबीसी को, और जॉइंट डिसलाइक सिम्टम्स और बच्चे की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। लेकिन ये चीज अब नहीं हो रही, बिकॉज जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, अगर मदर आरएच नेगेटिव है तो हम ये वेट नहीं करते हैं कि बच्चा पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ ये टेस्ट करना, हम इंट्रोड्यूस करते हैं रोगम एंटीबॉडी। ये रोगम क्या है? ये रोगम इज अ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी जो किल करता है मदर के अंदर जो प्रोड्यूस हुआ ना फीटल आरएच फैक्टर, उस फैक्टर को किल कर देता है, एंटी आरएच है ये। और अगर किल कर दिया तो मदर की बॉडी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी सेफ है। ऐसा हर एक डिलीवरी के बाद आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है रोगम। सो बच्चों इससे क्या समझ में आता है? कुंडलिया ना मिलाए, डोंट मैच दी हॉरोस्कोप्स, हम लोग मिलाए ब्लड ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग। एंड नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट दी हार्ट फंक्शंस, कार्डियक साइकल्स एटसेट्रा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सबसे पहली चीज तो इन योर एनसीईआरटी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज गिवन, लेकिन बच्चों वो दिया है रिवर्स ऑर्डर में, जो कि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने उसकी प्रॉपर स्टेप्स लिखी है सो दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए कुछ फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्टर्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं बट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। सबसे पहला टारगेट आप लोग ये करेंगे कि जैसे ही वीडियो आप चलाएंगे, वीडियो से पहले ये सारे फैक्टर्स कॉपी करेंगे पॉज करके, वो फैक्टर्स आपको याद होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नाउ इसको बोला जाता है कैस्केड फैक्टर्स। कैस्केड मतलब झरना, झरना होता है ना पानी का, एक के बाद एक पानी गिरता जाता है लगातार, उसी तरीके से ये फैक्टर्स ब्लड में क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। कंटिन्यूसली हर एक स्टेज में एक के बाद एक फैक्टर्स लगते हैं, कौन सा फैक्टर कहाँ लगता है ये हमें याद नहीं करना है। हाँ, लेकिन थर्ड फैक्टर का नाम क्या होता है, सिक्स्थ का नाम क्या होता है, ये चीजें आपको याद करना पड़ेंगी। सबसे पहले फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर इज फिब्रिनोजन, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयंस, फिफ्थ लेबाइल और प्लोएक्सरिन फैक्टर, सिक्स्थ हाइपोथेटिकल, सेवेंथ स्टेबल और प्रोकन्वर्टिन, एट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, नाइन्थ क्रिसमस फैक्टर या फिर इसका दूसरा नाम है पीटीसी, दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट, टेंथ स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर, इलेवेंथ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ट्वेल्थ हैगमैन फैक्टर, थर्टींथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट स्टेप क्लॉट फॉर्मेशन में लगता है, दिस इज फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर या फिर दूसरा नाम है लकी लोरान फैक्टर। क्लियर है बच्चों? ये चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज याद होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग ब्रेन में जब न्यूरल कंट्रोल पढ़ते हैं तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व में 12 क्रेनियल नर्व्स याद करेंगे। क्लियर है? नाउ अब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में थोड़ा सा आ जाते हैं। इधर देखना, मान लो आपको जरा सी चोट लगी, इंजुरी लगी, तब होता क्या है एक्चुअल में देखना ध्यान से। जैसे ही आपको चोट लगी, जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स है वो एक फैक्टर निकालती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाउ दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइन विथ कैल्शियम आयन, कैल्शियम कहाँ है? अरे भाई ब्लड में है ना हमारे। कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, जहां भी एज लग जाता है मतलब एंजाइम। अब क्या हुआ, हमारे ब्लड में इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर ट्रैवल करता है, कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। अब इस प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर लगता है कैल्शियम आयन, साथ में प्रोथ्रोम्बिनेज, ये दोनों की एक्टिविटी से मिलके ये इनएक्टिव पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव थ्रोम्बिन में।
अब फिब्रिनोजन कहाँ पड़ा था? फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी हमारे ब्लड में है। बच्चों मैक्सिमम क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर? लिवर में, याद रखना। नाउ फिब्रिनोजन है सोल्यूबल और इनएक्टिव, इसके ऊपर जब लगा हमारा थ्रोम्बिन तब बना इनसॉल्यूबल और एक्टिव फिब्रिन। अब इस फिब्रिन का काम क्या है? ये डैमेज्ड आरबीसी पे जुड़ जाता है और जैसे डैमेज्ड आरबीसी पे जुड़ा इसने बना लिया एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। ऐसा बन गया तो क्या हो गया? ब्लीडिंग स्टॉप्स। हमारा काम यही तो था, क्या करना था हमको? ब्लीडिंग को रोकना था। सो दिस हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये चीज समझ में आई? नाउ आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, कितने चेंबर्ड का होता है, उसकी बाहर की वॉल्स को क्या बोलते हैं, उसमें कौन सी ब्लड वेसल जाती है अंदर, कौन सी ब्लड वेसल एग्जिट करती है। तो ये सब समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन हार्ट का एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नाउ एज यू कैन सी हार्ट स्ट्रक्चर रेड कलर ब्लू कलर इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। ब्लूइश कलर मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखना बच्चों ध्यान से क्या चीज देख रहे हैं हम लोग। ये जो ऊपर के छोटे चेंबर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये चेंबर्स है हमारे एट्रियम, ये वाले। जो नीचे के चेंबर्स दिख रहे हैं ना, ये चेंबर्स है हमारे वेंट्रिकल। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब क्या बात करेंगे? एट्रियम का काम होता है ब्लड को वेलकम करना, मतलब ब्लड को रिसीव करता है। हमारा वेंट्रिकल्स क्या करते हैं? ब्लड को पंप आउट करते हैं। देखो वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, वेंट्रिकल्स का क्या है? ब्लड एग्जिट करना। ठीक बच्चों? नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है हार्ट का, थोड़ा सा ध्यान से देखिए अगर हम, तो अब इस स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करेंगे राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में क्या होता है? राइट एट्रियम में खुलते हैं दो बड़ी वाली वेन्स। दो बड़ी वेन्स मतलब वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, जो राइट एट्रियम है इसका काम है, इसमें खुल रही हैं आपकी वेन्स वेना केवा। रेड कलर मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। तो ये जो ब्लूइश कलर की वेन्स है, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, नीचे वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ये है आपका इन्फीरियर वेना केवा, ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना केवा। आई बात समझ में? एक चीज ध्यान से समझना, आई एम एक्सप्लेनिंग यू स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको एक एक चेंबर को ध्यान में रखते हुए समझा रही हूँ, लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता कैसा है वो हम देखेंगे कार्डियक साइकिल में। आप समझने के लिए देखिए, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से इस एट्रियम में आ गया। अब इस एट्रियम का जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, जो प्रिवेंट करता है ब्लड के बैक फ्लो को। अब यहां तो वेल्व दिख नहीं रहा है मैम, तो क्यों दिखेगा बच्चों? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वेल्व जरूर दिखेगा। आई बात समझ में? तो इधर से अंदर आ गया ब्लड। अब क्या हुआ कि आपको इस ब्लड को करना है प्यूरिफाई, तो अब राइट एट्रियम से निकलने वाली अवे ले जाने वाली जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को अवे ले जाए वो होती है आर्टरी, और जो वेलकम करे वो होती है वेन्स। अब आर्टरी ले जा रही है कहां पर? कहाँ प्यूरिफाई होगा? लंग्स में। तो लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। तो अब इससे निकलने वाली होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब दो लंग्स है तो एक होगी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक होगी आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों आर्टरीज दोनों लंग्स में ले गए, लंग्स ने ब्लड को कर दिया प्योरीफाई। अब लंग्स से लेके आने वाली होगी तो पल्मोनरी, लेकिन वेन।
अब बच्चों ये हो गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड, तो हो गया इसका कलर रेड। तो अब पल्मोनरी वेन्स का कलर कैसा हो गया? रेड। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स ने ले आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पर खुला? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वेल्व, बाया साइड बाइकस्पिड चला गया ब्लड, बैक फ्लो को रोकता है ये वेल्व। अब आपके बॉडी पार्ट्स इंतजार में है कि हमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए, तो अभी इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, फोर्सफुल ब्लड जाएगा एक बड़ी वाली आर्टरी से जिसका नाम है एओटा, तो आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस एओटा के तीन मेजर आर्टरीज निकलती है, एक ब्रेकियोसिफेलिक जो आपके शोल्डर पोर्शन में ट्रंक पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, एक होती है आपकी कैरोटिड जो ब्रेन को आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, नेक्स्ट इज सबक्लेवियन मतलब आपके क्लेविकल बोन में या कॉलर बोन को ब्लड सप्लाई करती है, और नीचे जाते हुए होती है डॉर्सल एओटा जो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सो आई होप दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज क्लियर। अब जैसे ही आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ध्यान में रखते हैं, आपका एक बेसिक थीम बन जाता है कि ब्लड कैसे आया, कैसे बॉडी हार्ट में सर्कुलेट करा और कैसे बाहर गया। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, हमारा ब्लड एक बार ऑक्सीजनेटेड बन के आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड बन के, तो हार्ट में कितनी बार ट्रैवल किया? दो बार, ट्वाइस, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। अभी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। नाउ बच्चों, ये कोरोनरी आर्टरी का काम क्या है? अब हम अगर लोगों की भलाई करते रहेंगे, खुद का भी तो ध्यान रखना है। ह्यूमन हार्ट सभी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो उसकी खुद की वेसल्स को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, खुद की टिश्यूज भी तो काम कर रही हैं, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो हार्ट टू हार्ट ब्लड को ट्रांसफर कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है बच्चों? नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियक साइकिल जो हमने छोड़ा था। ठीक है, अब बच्चों कार्डियक साइकिल कैसी होती है? पहले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सारी चीजें समझेंगे। एक चीज ध्यान रखना, एक कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड्स, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। मैं फिर से बता दूं आपको, वी आर डिस्कसिंग इट इन अ वेरी फास्ट स्पीड, आपको ध्यान भी रहे और आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। क्लियर है? ये तो फिजियोलॉजी का एक ही चैप्टर चल रहा है आपका, फिजियोलॉजी के साथ साथ आपको बॉटनी कवर करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें कवर करनी है, तो हमारा वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है इस लॉकडाउन को पॉजिटिव लें, और क्योंकि MGCI आपको हर पल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लेक्चर्स अवेलेबल करा रहा है, क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रहा है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम डियर स्टूडेंट्स, have it as a golden opportunity. Now, cardiac cycle में सबसे पहला atrial cycle जो होती है 0.8 सेकेंड, ventricular cycle जो होती है 0.8 सेकेंड, तो मैडम ये 0.8 मिलके 1.6 क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन तो आया होगा ना दिमाग में, अब मैं इसका आंसर भी दे देती हूँ। बिकॉज एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल चलते हैं साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ में। अब एट्रिया का 0.8 सेकेंड भी डिवाइडेड है एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकुलर साइकिल डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड्स एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड। हमको यहां से देखने में समझ में तो आ रहा है कि एक्साइटेशन है सिस्टोल बहुत जल्दी हो जाता है और रिलैक्सेशन में ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी को टेंशन देना होता है ना बहुत जल्दी हम दे देते हैं, लेकिन उसी पर्सन को रिलैक्स करने में, कंफर्ट जोन में लाने में हमको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो इस ट्रिक से याद रख लीजिए आप लोग। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर में भी मिलेगा, एंड होप सो नीट कैन ऑल्सो आस्क दिस। अब इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना, ये जो एक लाइन बनाई है ना, इस लाइन के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कॉमन डायस्टोल चल रहा है,
मतलब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड है, एट्रिया भी रिलैक्स्ड है, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब ये राइट साइड वाले पोर्शन में ये क्या शेडेड कर दिया मैंने, ध्यान से सुनना। बाहर का सर्कल, चाहे तो यू कैन ऑल्सो टेक दी स्क्रीन शॉट। ओके क्लियर बच्चों, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, कार्डियक साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आउटर सर्कल क्या बता रहा है आपको, एट्रियल साइकिल। इनर सर्कल बता रहा है आपको वेंट्रिक्यूलर साइकिल। क्लियर है। अब एट्रियल साइकिल में ये जो शेडेड पोर्शन है ये बताएगा सिस्टोल, और जो ब्लैंक पोर्शन है वो बताएगा डायस्टोल। यहां देखो एट्रियल सिस्टोल कितने का था, 0.1 सेकंड, यहां भी हमने 0.1 सेकंड में शेड कर दिया, मतलब एट्रियल सिस्टोल हो गया। हर एक ब्लॉक अपना 0.1 सेकंड का है। अब अगर 0.1 सेकंड का आपका हो गया एट्रियल सिस्टोल, तो बाकी बचा 0.7 सेकंड कितना हो गया एट्रियल डायस्टोल, जो हमने बताया है यहां पर। वेंट्रिकल्स में देखा जाए तो 1, 2, 3 0.3 है ना, 0.3 सेकंड का है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो बाकी जो बचा है 0.5, ये ब्लैंक जो नहीं है वो क्या है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आई बात समझ में, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यू कैन पॉज, यू कैन रिवाइंड, आप फिर से देख सकते हो ये वीडियो, बट कार्डियक साइकिल बाय हार्ट होना चाहिए। दिस इज क्लियर। ये है आपका 0.4 सेकंड का कॉमन डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल्स और सिस्टोल साथ में रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, ये 0.1 सेकंड का था अपना एट्रियल सिस्टोल, और बाकी 0.7 सेकंड का एट्रियल डायस्टोल। ये था 0.3 सेकंड का वेंट्रिकुलर सिस्टोल और 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नाउ ये लब डब क्या है, दिल धड़कता है ना, कैसे धक धक नहीं भाई, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स अब याद रखना है लब डब क्लियर है। नाउ ये लब साउंड कब आती है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे ना, जब भी गेट खुलता है तो इतनी आवाज नहीं आती है, जब गेट बंद होता है तो आवाज आती है। अब ध्यान से सुनना, जो वेल्व्स खुलेंगे तब आवाज नहीं आएगी, वेल्व्स बंद होंगे तब आवाज आएगी। अब ये याद रखना है कि लब साउंड कब प्रोड्यूस हुई, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के बाद। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व्स है, वो बंद हो गए। अब अगर वो बंद हुए तो उसकी आवाज कैसी आई, लब। अब एक आएगी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वेंट्रिकल्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आवाज आई डब, किसके कारण, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वेल्व्स। अब बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, हम तो पढ़ते हैं कि मैम आर्टरीज वेन्स का जब डिफरेंस पढ़ते हैं तो आर्टरीज में कोई वेल्व ही नहीं होते, तो जब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा निकलता है तो हम ऐसा क्यों बोलते कि सेमी लूनार वेल्व्स भी हैं। बच्चों ये वेल्व्स आर्टरी के अंदर नहीं है, ये सिचुएटेड है वेंट्रिकल्स की मसल्स में, मतलब जो वेंट्रिकल का ल्यूमन है उसका जो चेम्बर है जहां से एट्रिया स्टार्ट होता है, पल्मोनरी आर्टरी या फिर एओर्टिक आर्च जहां से स्टार्ट होता है, उसके ओरिजिन पे ये वेल्व्स लगे हैं, आर्टरी के अंदर नहीं है। क्लियर है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज टू द वेंट्रिकल्स। ठीक, एक चीज ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है आपका, नीट टारगेटेड क्वेश्चंस है ना, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आ जाता है, दिस इज आवर नीट पंच। क्लियर है, सो नीट पंच में क्या आ सकता है, लब, याद रखना है लाउडर है, लॉन्गर है, लो पिच साउंड है, डब में डल, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई पिच साउंड है। क्लियर बच्चों, दिस इज डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन में क्या पढ़ना है, बेसिक फीचर है, आप सब जानते हैं हमारा डबल सर्किट हार्ट है। डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले तो लंग्स बना लिए टिश्यूज, इनके बीच में एक बॉक्स डायग्राम बन गया हमारा हार्ट का, हार्ट के दो चेंबर छोटे बनाए हैं, एट्रियम दो नीचे वाले बड़े बनाए हैं। अब वही चीज जो हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में डिस्कस की थी उसको हम यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं। देखो राइट एट्रियम, बॉडी टिश्यू से वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई राइट एट्रियम में,
राइट एट्रियम का हुआ कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, कौन सा वाल्व, मिट्रल या ट्राइकस्पिड वाल्व। उसके बाद राइट वेंट्रिकल का फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है लंग्स में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में प्यूरिफाई हुआ ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में, कॉन्ट्रैक्शन हुआ बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू बड़ी वाली एओटा के मदद से हमको पहुंचाना है टिश्यूज में, दो बार ब्लड ट्रैवल कर रहा है, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स इन्वॉल्व है, नेक्स्ट बॉडी टिश्यूज इन्वॉल्व है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर है बच्चों? नाउ कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि आपके हार्ट ने एक मिनट में कितना ब्लड पंप आउट किया पर मिनट, इसका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग होता है 70 ml और हार्ट रेट होता है 70-80 पर मिनट। क्लियर है? पर मिनट। अभी पर मिनट का डेटा एक बीट के डेटा से, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एक बीट पे आपका एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो बनता है आपका कार्डियक आउटपुट जो पर मिनट में है, तो लगभग बनेगा 4 से 5 लीटर। मतलब बच्चों एक मिनट में हमारा हार्ट पूरी बॉडी का ब्लड पंप करके प्यूरिफाई करवा देता है। अब थोड़ा सा जनरल डिस्कशन, फिशेज में होता है 2 chambered हार्ट, एम्फीबियंस में 3 chambered, रेप्टाइल्स में 3.5, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 chambered है, एव्स और मैमल्स में है 4 chambered हार्ट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द हार्ट स्ट्रक्चर, कार्डियक साइकिल हम लोग साइक्लिक फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये जो हार्ट में इम्पल्सिस आ रही हैं ये बेसिकली कैसे आ रही हैं। सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, मायो मतलब हमारे पास ऐसी मसल्स है जो हमारे हार्ट को इम्पल्सिस प्रोवाइड करती है और इम्पल्सिस जनरेट कराती है। क्लियर है? नाउ यू कैन इजीली सी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हम अगर इंसेक्ट्स के हार्ट की बात करते हैं, जैसे कॉकरोच का हार्ट 13 chambered है, तो उसमें इम्पल्सिस कौन देता है बच्चों? न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स ही एक्साइट और डीएक्साइट करते हैं। सो ऐसे हार्ट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक, बट ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बिकॉज हमारे पास स्पेशल नोडल टिश्यूज है, मॉडिफाइड मसल्स जो खुद इम्पल्स जनरेट करते हैं। मायो मतलब मसल, जेनिक मतलब जनरेशन। नाउ यू कैन सी राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के नीचे होता है एक स्पेशल नोडल टिश्यू एस ए नोड, ये पेस मेकर है बिकॉज ये पेस को बनाता है। जैसे इसने इम्पल्स दिया, ये इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसकी लोकेशंस कहाँ है? कोरोनरी आर्टरी के नीचे। अब जैसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ने इम्पल्सिस दे दी, इम्पल्सिस गई आपकी बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस ने इसको ट्रांसफर किया परकिंजे फाइबर्स पे। परकिंजे फाइबर्स का काम क्या होता है? परकिंजे फाइबर्स ने इम्पल्सिस भेजी वेंट्रिकल्स तक, तो इस तरीके से आपका पूरा कंडक्शन हुआ कहां से कहां बच्चों? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर्स। सो इस कंडक्शन को हम बोलते हैं न्यूरल कंडक्शन। अब न्यूरल कंडक्शन क्यों बोला? बिकॉज है तो ये मायोजेनिक, लेकिन इसको कम या ज्यादा करने के लिए आपका नर्वस सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि है सिंपैथेटिक, कम करने वाला सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जैसे ही आपने पढ़ लिया एसए नोड एवी नोड, एग्जाम्स पूछती हैं इनकी लोकेशंस,
ऐसे नोड कहाँ पर है, राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम बनाया है, इसकी भी राइट वॉल पे नियर दी एसवीसी सुपीरियर वेना केवा। एवी नोड कहाँ पर है, लेफ्ट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, मतलब जो राइट एट्रियम है इसकी लेफ्ट वॉल पे नियर दी कोरोनरी साइनस। बंडल ऑफ इस पता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर वेंट्रिकल्स में है आपका परकिंजे फाइबर्स। अब जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई तो इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ जिसका नाम है ईसीजी। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट। फादर ऑफ ईसीजी इज एंथोवेन, जिन्होंने ईसीजी डिस्कवर किया। पी वेव हमारा कार्डियक साइकिल में सबसे पहला इवेंट क्या हो रहा था, एट्रियल साइकिल में एट्रियल सिस्टोल, तो पी वेव क्या बताती है, एट्रियल सिस्टोल या डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेशन। क्लियर है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा इंपल्स जनरेट हुआ मतलब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, ये किसका है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर डीपोलराइजेशन। ठीक है। नाउ टी वेव छोटा सा लेकिन पी से थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है, मतलब ये भी बड़ा चेंबर है, तो टी वेव किसका रिपोलराइजेशन है या डायस्टोल है, वेंट्रिकल्स का। अब हमने इवेंट्स तो चार पढ़े थे लेकिन यहां पर आपके जो पीक्स दिख रहे हैं वो तो सिर्फ तीन है, चौथा पीक छिप गया, कहां पर छिप गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल जब सिस्टोल में था तब क्या डायस्टोल में था, एट्रियम, तो एट्रियल की डायस्टोल छिप गया, किससे ओवरलैप हो गया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एट्रियल होता है हमारा छोटे साइज का तो कम फ्रीक्वेंसी की इम्पल्स जनरेट हुए, और वेंट्रिकल्स होता है बड़े साइज का तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के वेव जनरेट होते हैं। दैट्स वाई हमको सिर्फ तीन इवेंट्स के वेव दिखेंगे, एक चौथा इवेंट एट्रियल डायस्टोल इज ओवरलैप्ड बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एक चीज ध्यान में रखना कि वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक क्यों होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को फोर्सफुली ब्लड को पंप आउट करना है या तो लंग्स में या तो बॉडी पार्ट्स में। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट आवर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन टिल ईसीजी। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेजर टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज वीडियो ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, एनसीईआरटी कंटिन्यूसली रीडिंग करते रहे लाइन टू लाइन। वैसे मेरे लेक्चर्स में आपको एनसीईआरटी कवर्ड मिलेगी और साथ में बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी मिलेंगे। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा है कार्डियक डिसऑर्डर्स, जो आप अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच।